हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिल्कुल रेगुलर पोस्ट पर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी शिक्षक भर्ती की। 7 पे कमीशन पे स्केल रहेगा। इसके साथ में जो है बहुत सारे अलाउंसेस भी जो है रहने वाले हैं। 2 चिल्ड्रन की एजुकेशन फ्री रहेगी। एकोमोडेशन जो है फैमिली के लिए रहेगा गैल कॉलोनी में ही, और भी जो है सुविधाएँ। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो PGT में 40 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और TGT में 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा PRT की भी वैकेंसी है, नॉन वोकेशनल स्टाफ की भी वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं। वैकेंसी जो है गेल DAV पब्लिक स्कूल से जारी की गई है। गेल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही जो है ये स्कूल है। तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन में आप देखें सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, जो भी थंबनेल में लिखा होता है वही जो है नोटिफिकेशन में होता है। थंबनेल में सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखें, रेगुलर पोस्ट रहेगी, 7 पे कमीशन पे स्केल। इसके अलावा भी जो है कई अन्य भत्ते जो है दिए जाएंगे DAV नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फ्री एजुकेशन अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की जो पढ़ाई है वो फ्री रहेगी। मेडिकल एक्सपेंसेस एज पर स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ होंगे। साथ में सुटेबल बैचलर या फिर फैमिली के लिए एकोमोडेशन रहेगा गेल कॉलोनी में। साथ में जो है HRA एज पर रूल। तो ये सारे बेनिफिट्स रहने वाले हैं। और क्या चाहिए परमानेंट वैकेंसी में? एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट PRT और TGT के लिए 35 ईयर रहेगी 1 अप्रैल 2024 से। अगर आप देखेंगे 40 वर्ष रहेगी PGT के टीचर्स की। अपर एज लिमिट पार्ट टाइम कोच एंड नॉन वोकेशनल स्टाफ, परमानेंट वैकेंसी तो है, साथ में जो है पार्ट टाइम कोच की और नॉन वोकेशनल स्टाफ की भी वैकेंसी है। इसमें जो है 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से जो है वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं, गेल DAV पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है, औरैया उत्तर प्रदेश में है ये। और इसमें जो है आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है इसकी। रेगुलर बेस पर जब वैकेंसी आए और कोई भी फीस नहीं लग रही हो और आपका सब्जेक्ट हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दें। ये नहीं सोचें एक वैकेंसी है या दो वैकेंसी है इसमें हमारे सब्जेक्ट की, क्योंकि हो सकता है वो एक या दो आप ही हैं। तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस जानेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। BEd होना चाहिए। और जिस तरीके से APS में CBT स्कोर कार्ड आपको मिलता है, आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं जो DAV स्कूल के द्वारा क्लियर करवाया जाता है, जो APS के द्वारा क्लियर करवाया जाता है, तो आपके पास एक स्कोर कार्ड आ जाता है, जिससे कि आप जो है हर बार जब भी इंटरव्यू के लिए फॉर्म निकलते हैं तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहां पर DAV CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 2 साल का अनुभव आपका CBSE या ICSE स्कूल में पढ़ाने का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट की एक वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में आप देखें, इसमें भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में, BEd होना चाहिए, CTET पेपर 2 या फिर STET लेवल 2। आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, आपके राज्य का टेस्ट क्लियर है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप बिल्कुल यहां पर आवेदन करें। DAV CBT क्वालिफाई भी होना ज़रूरी है। TGT में 1 साल का अनुभव और PGT में 2 साल का आपका पढ़ाने का अनुभव रहा हो। PRT के लिए भी 12th नहीं मांग रहे हैं। इसमें भी जो है हायर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसमें BEd चाहिए, ठीक है। प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा या डिग्री नहीं मांग रहे, BEd मांग रहे हैं। CTET लेवल 1 या STET लेवल 1 आपका क्वालिफाई हो। सभी में जो है लिखा है कि DAV CBT क्वालिफाई होना ज़रूरी है। PRT और TGT के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस। PRT इंग्लिश में वैकेंसी है। ये सब रेगुलर बेस पर थी वैकेंसी जो अभी बताई है, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। अगर आपने CBT क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर दें। पार्ट टाइम के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं,
आपके सब्जेक्ट में, एक साल जो है आप यहाँ पढ़ा लें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उसके बाद जो है आपको पता लग जाएगा आसपास के जो टीचर्स हैं उनसे आपको मालूम हो जाएगा किस तरीके से जो है CBT क्वालिफाई किया जाता है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है। इस तरीके से आप एक साल जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर जैसे ही ये टेस्ट होता है, हर बार होता है, तो आप यहाँ पर जो है टेस्ट देके परमानेंट पोस्ट पर आ सकते हैं। PRT इंग्लिश के लिए देख लिया आपने, स्पेशल एजुकेटर में एक वैकेंसी और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, BEd होना चाहिए, चाहे स्पेशल एजुकेशन में आपने किया हो या BEd जनरल से किया है। अगर स्पेशल एजुकेशन से किया है तो आप जो हैं इसमें एलिजिबल हैं, अगर आपने BEd सामान्य किया है तो एक साल का डिप्लोमा ज़रूर चाहिए स्पेशल एजुकेशन में CTET के साथ में। और इसमें भी जो है DAV CBT क्वालिफाई होना चाहिए, एक साल का अनुभव भी होना चाहिए। पार्ट टाइम कोर्स तो आईकांडो में एक वैकेंसी है, फुटबॉल टीचर के लिए एक वैकेंसी है और अपर डिवीज़न क्लर्क में एक वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग आपकी हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए, MS ऑफिस आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कंप्यूटर में नहीं मांग रहे हैं, बस नॉलेज आपकी चलेगी, ठीक है। DAV CBT क्वालिफाई होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट में एक वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट को जो है यहाँ प्रेफरेंस मिलेगी। नोट में जो कुछ लिखा हुआ है उसे आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताती ही हूँ। यहाँ पर लिखा है नॉन CBT कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर पार्ट टाइम पोस्ट, ठीक है। जिनके पास CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर कार्ड नहीं है वो पार्ट टाइम पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो है पार्ट टाइम पोस्ट जो निकली हैं उनमें अप्लाई कर दें अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है, उसके बाद आप एक साल तक यहाँ काम कर लें, आपको सारी चीज़ें जो हैं पता लग जाएंगी, अनुभव हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो है आप इस एग्ज़ाम को दें और रेगुलर पोस्ट पर आ जाएं। कैसे अप्लाई करना है तो ये आप पढ़ लेंगे, बाकी जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ और यहाँ पहले देखें, तीन तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म दिया है, आप इस पर भी जो है जाकर गूगल फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पर है कि आप जो है क्या करते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट करना चाहेंगे तो ये एड्रेस है, ठीक है, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म अभी देख लेंगे, और अगर यहाँ नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अपने जो है सभी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच्ड कर देने हैं आप लोगों को, और एनवलप के ऊपर ये एड्रेस लिख देना है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 डेज तक ही जो अप्लाई कर सकते हैं, 15 अगस्त से पहले ही आप अप्लाई कर दें। ईमेल जो है, ईमेल एड्रेस ये दिया हुआ है, ईमेल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके जो है गूगल फॉर्म भर दें, कैसे भी आप करना चाहें, फ़ीस तो नहीं लग रही है। और ये जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसे आप जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल करके जो है ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, गैल DAV पब्लिक स्कूल औरैया उत्तर प्रदेश में है, और इसमें जो है नोटिस बोर्ड पर सबसे पहले आपको दिख जाएगा 6 अगस्त 2024 का न्यू एडवर्टीजमेंट है, इस पर क्लिक कर लेंगे आप तो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा सबसे फर्स्ट में। सेकंड पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड में एडवर्टीजमेंट पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसी वैकेंसी से संबंधित है। लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गेल DAV.in, GAILDAV.in, ठीक है। बाकी जो है पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, रेगुलर बेस पर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, सैलरी के साथ में बहुत सारे जो हैं आपको सुख सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।